श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सहस्र दल कमल में जाने पर देवताओं का दर्शन। प्यारे लोगों, इस पंच तत्वमय संसार के पांचों में प्रथम का तत्व अवश्य ही आकाश मानना पड़ता है। फिर सौर जगत के आरंभ में सूर्य अवश्य ही मानने योग्य है। इसी तरह यह प्रकृति के फैलाव के अंदर की सब रचनाओं और प्रकृतियों के सहित आरंभ में जो मानना पड़ता है उसी को ईश्वर परमात्मा कहते हैं। वह अत्यंत गुप्त है। पंच तत्वों के आरंभ का जो आकाश है यह तो लोग प्रत्यक्ष ही मालूम करते हैं और सौर जगत के आरंभ के सूर्य को भी लोग प्रत्यक्ष देखते ही हैं। लेकिन प्रकृति के आरंभ का जो परमात्मा है वह अत्यंत गुप्त है। वह सबसे दूर है और सबसे नजदीक भी है। यह भी कह सकते हैं जैसे कि संत कबीर साहब कहा है, मंदिर में दीप बहु बारी, नयन बिनु भई अंधियारी। इसी तरह वह गुप्त से गुप्त और प्रकट से प्रकट है। काहे है नीरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी। अपने को ही मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद वह रोग है जो आंख की पुतली पर पत्थर का सा पर्दा हो जाता है। आजकल लोग उसको डॉक्टर से निकलवा देते हैं। जिसको मोतियाबिंद होता है उसको सब कुछ रहते हुए कुछ दिखता नहीं। उसी तरह ईश्वर पाने के लिए जो अपेक्षित है उस पर पर्दा है। वह नेत्र कैसा है? वह नेत्र का नेत्र है और देखने के दृश्य का देखने वाला है। वही है अक्षर जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जो छिन्न होते होते छिन्न हो जाता है सो वह नहीं है। वह अक्षर पुरुष है। वही अक्षर पुरुष अपने आप को समझो। यह चेतन रूप है। इसी के ऊपर शरीर और इंद्रियों का आवरण हो गया है। यही मोतियाबिंद है। इसी आवरण के कारण नहीं देख सकते हो, नहीं दर्शन कर पाते हो ईश्वर का। जैसे मोतियाबिंद के कारण बाहर का कुछ नहीं देख पाते, यही अक्षर पुरुष अंतःकरण का साथ कर जीवात्मा कहलाता है। इसी की संतों की भाषा में आदि सूरत कहते हैं। आदि सूरत सत पुरुष ते आई, जीव सोहंग बोलिए सो ताई। कबीर साहब, इस अक्षर पुरुष से भी जो पर तत्व है वही ईश्वर परमात्मा है। वही सारे जगत के तत्वों के मूल में है और सबसे प्रथम का है। आप अपने शरीर में है, वही अक्षर पुरुष है। उस अक्षर पुरुष को उस प्रभु का दर्शन होना चाहिए। दर्शन करने की कोशिश को भक्ति कहते हैं। भक्ति को ही सेवा कहते हैं। इस सेवा से ईश्वर को कोई लाभ नहीं, लेकिन अक्षर पुरुष को बड़ा लाभ है। दर्शन होते ही जैसे अभी आपको मालूम होता है कि शरीर और संसार कष्टमय है, सो कष्टमय नहीं मालूम होगा। तब आप शरीर और संसार में रहो वा नहीं रहो, दोनों में ब्रह्म सुख का एक ही ज्ञान रहेगा। इसी के लिए भक्ति अपेक्षित है। अभी जो श्री संत सेवी जी ने अपने प्रवचन में अंतःसाधन की बात कही है उसकी बड़ी आवश्यकता है। बाहर बाहर वह भक्ति नहीं होती। अवश्य ही अभी जैसे सत्संग होता है आरंभ में मन लगाने के लिए यह बाहर का कुछ अवलंब है, लेकिन चाहिए कि अंतर्वृत्ति हो। आपको बाहर की चीजों को पकड़ने की वृत्ति हो रही है। बाहरी चीजों का ज्ञान पहचान आपको है, लेकिन अंतर्वृत्ति करके कैसा होता है सो आपको मालूम नहीं है। अंतर्वृत्ति करो तब अंतर्दृष्टि होगी। आपका श्वास अंतर में रुक कर रहे सब तब अंतर्वृत्ति होगी। ऐसी बात नहीं है।
इसके लिए जिस तरह की अंतर्वृत्ति होती है वह ठीक ठीक तभी जान सकते हैं जब आप तीन अवस्थाओं में से अपने को हटाकर चौथी अवस्था में ले जाएंगे। उस अवस्था में ले जाने के लिए पहली बात समझो कि जागने के समय आंख में, स्वप्न के समय कंठ में, सुषुप्ति के समय शरीर हृदय में जीव का वास होता है, योग हृदय में नहीं। योग हृदय में ले जाने के लिए साधन करना होता है, यह स्वाभाविक नहीं है। इसी यत्न को योगाभ्यास कहते हैं। यह आसन तरीके से भी होता है, यह आसान तरीके से भी होता है और कठिन तरीके से भी। संतों ने सबसे कहा कि करो, और उस अंतर्वृत्ति होने के साधन को दो भागों में बांटा, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग में है मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। कबीर साहब, स्थूल भाग यहाँ से आरंभ किया जाता है। इससे लाभ यह होता है कि वृत्ति जो बहुत फैली हुई होती है वह कुछ समेट में आ जाती है, लेकिन पूर्ण सिमटाव जिस तरह होता है उसके करने से ही काम चलेगा, इसलिए उसका भी यत्न बताया है। स्थूल भाग में जो साधन करते हैं उनको सगुण ही सगुण मिलता है। जहाँ से सूक्ष्म आरंभ होता है तो निर्गुण में जाने की डगर मिलती है, वहाँ तो मूल ध्यान गुरु रूप है, और यहाँ प्रथम ही सूरत जमावे तिल पर, यह है निर्गुण में जाने का साधन, सूक्ष्म में जाने का साधन। मूल ध्यान गुरु रूप है, या गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानों से इतना ही समझना चाहिए कि जो स्थूल सगुण रूप आप देख चुके हैं उनको मन में बनाकर देखिए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आम छाह करी मानस पूजा, मानस पूजा भी इसको कहा है। मानस पूजा और मानस ध्यान एक ही बात है। इससे सूक्ष्म मंडल में जाने की योग्यता होती है, और जिसको तिल पर अस्थिरता होती है उसका सूक्ष्म मंडल खुल जाता है, स्वर्ग नरक उसको मालूम होता है। गुरु महाराज ने लिखा है कि सहस्र दल कमल में जो जाता है वह वहाँ के देवताओं को भी देखता है। उनके विज्ञापन में छपता था कि कब्र में जाने और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। संतों ने निर्गुण में जाने का रास्ता बताया है, जो परमात्म स्वरूप है उसको पाने के लिए यत्न बताया है, और कहा है कि तुम्हारा शरीर जो हार चाम मांस का है सो इतना ही नहीं है। अंदर के पहले भाग में अंधकार भरा है, दूसरे भाग में प्रकाश है, और तीसरे भाग में ध्वनि नाद व शब्द भरा है। विविधता इसमें भी और उन दोनों अंधकार और प्रकाश में भी है। आखिरी में जो आदि नाद आदि शब्द मिलता है वही परम नाद है, जिसके लिए योग शिखो परिषद में अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मोति कथ्यते कहा है। उसी को संतों ने राम नाम सत्य नाम आदि कहा है। शून्य 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 के पारा दादू दयाल जी ने कहा है, आदि नाद जो है वह निर्गुण है, उसके अतिरिक्त और जितने शब्द हैं सभी सगुण सगुण हैं। तीन शून्यों के पार में अपने को ले चलो तो परमात्मा का दर्शन हो। तीन शून्यों को पार करने के लिए कहाँ जाओगे, अंदर चलो। अंदर पार करो तो बाहर भी पार हो जाओगे, अंदर पार नहीं करो तो बाहर पार नहीं होगे। तीन शून्यों के पड़े जो है उसको ना तो निर्गुण कहते बनता है ना सगुण। अपने अंदर में चलने का अंत कर दो तो फिर कहीं नहीं चलना होगा। अविगत अंत अंत अंतरपट कहकर तीन शून्यों का इशारा किया है। अपने अंदर अंधकार को पार करो आश्चर्य नहीं है, संतों ने स्वयं किया है। तब उन्होंने इसकी युक्ति बताई है, उन्होंने कहा है कि मैंने किया है मालूम हुआ है,
तुम भी करो तो मालूम होगा। तीनों शून्य खत्म हुए, काम खत्म हुआ, सारा संसार क्षर है और शरीर आपका क्षर है, यानी शरीर और संसार दोनों क्षर है। इनसे पड़े अक्षर चेतन पुरुष है, इसके पड़े जो है उसी को क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में कहा गया है। उसको क्या कहें, विचार में नहीं आता है, विचार वहां तक नहीं जाता है। साधना करके कोई प्रत्यक्ष में देख सकते हैं सो होगा, लेकिन केवल सुनकर जो जान सकेंगे सो पूर्ण जानना नहीं होगा। जैसे भूख लगती है तो भोजन करते हैं तो भूख खत्म हो जाती है, उसी तरह यह बात है। ईश्वर का दर्शन इसलिए चाहिए कि आपको किसी तरह की भूख नहीं रह जाए, वह कारण नहीं बच जाए जिससे आपको कष्ट हो। आप उस मूल पुरुष को पाइएगा जिसको पाकर कभी वह छूटेगा नहीं, उसके छूटने का गुण आप में नहीं होगा। यही ब्रह्म निर्वाण है, यही कारण है कि संतों ने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया है। यह भक्ति मार्ग ऐसा नहीं कि केवल मोटी मोटी बातों में रहो अथवा मोटी मोटी बातों को छोड़ दो, ऐसी भी नहीं। मोटी मोटी भक्ति करके फिर सूक्ष्म भक्ति भी करो। इसी को सुंदरदास जी ने कहा है कि भक्त बिना कान के सुनता है और बिना आंख के देखता है। श्रवण बिना धुनी सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तरे। नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीश नवे जह सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। यह पराभक्ति है, समझ बुझकर साधन भजन अच्छी तरह करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन 11/3/1969 ईस्वी को भागलपुर जिला अंतर्गत अठगामा ग्राम में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 61वां वार्षिक अधिवेशन में प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।